धौलपुर जिले के सरानी खेरा में बनी लाखों रुपए की पानी टंकी बिना पानी के सूख रही है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि गर्मी के मौसम में करीब 3 या 4 दिन ही पानी आया है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है और लोगों को वो ही नहीं मिल पा रहा। सरानी खेरा क्षेत्र में 2 टंकी बनी हुई हैं, पर अब वो सूखी पड़ी हुई है। ग्रामवासियों का कहना है कि जलदाय विभाग को इस पर गौर करना चाहिए। टंकी के पास बोरिंग भी है तो उन्हें चालू करके टंकियों को भरवाया जाए। धर्मेंद्र बंटू, साबुद्दीन, उत्तम सिंह, नैना प्रमोद और कई ग्रामीण थे। यहाँ सरानी खेड़ा में 2 टंकी बनी हुई हैं, एक भी टंकी का पानी नहीं आता है। कर्मचारी वगैरह आते हैं, घूम भाग के भाग जाते हैं यहाँ से, और नल को देखो तो नल में पानी नहीं आता बिल्कुल। कभी आता है, कभी नहीं आता है। कम से कम 30-35 गांव में इसका पानी का भाव जाता है और सारी जनता परेशान हो रही है। देखो गर्मी का क्या मौसम चल रहा है, फिर भी पानी नहीं चल रहा है। पता नहीं जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आपका नाम? आपका? मेरा नाम बंटू है, सरानी खेड़ा का रहने वाला हूँ। बताओ। गर्मी का मौसम पूरा करने का समय हो गया और नल का कोई समय नहीं आने का। जा जाए तो 5-5 दिन नहीं आए, आए पर है तो 10-10 दिन नहीं आए। ये नलों की बहुत समस्या हो रही है गर्मी की वजह से। कर्मचारी ने कर्मचारियों लोगों आज देखने के लिए कोई आता नहीं है और परेशान जनता लोग ग्रामीण में परेशान हो रही है पानी के लिए। कर्मचारियों टाइम पे आती नहीं है तो नल कहाँ से आए। कितने गाँव में पानी जाता हो जाते? गाँव में कम से कम 30-35 गाँव में पानी। अच्छा, क्या टंकी बनी हुई है गाँव में? खेड़ा में पंचायत में 2 टंकी हैं और एक भी चालू नहीं है। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र सिंह, सरानी खेड़ा।